सरना धर्म कोड पर चर्चा के लिए राज्य सरकार ने 11 नवंबर को विशेष सत्र बुलाया है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम की मंजूरी के बाद विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेज दिया गया है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। सत्र के दौरान पक्ष विपक्ष की सहमति मिलने के बाद राज्य सरकार जनसंख्या के कॉलम में सरना धर्म कोड को शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगी, जिसमें 2021 की जनगणना में सरना धर्म कोड के कॉलम की मांग होगी। हालांकि प्रस्ताव में सरना धर्म कोड या आदिवासी कोड की मांग होगी ये अभी स्पष्ट नहीं है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की थी कि विशेष सत्र जल्द बुलाया जाएगा। उपचुनाव का परिणाम 10 नवंबर को आना है। आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर विशेष सत्र एक दिन बाद बुलाया गया है। 2021 की जनगणना में सरना धर्म कोड के कॉलम की मांग होगी। हालांकि इसे लेकर झारखंड में कई विभिन्न आदिवासी संगठनों ने अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया।